जिले के सुप्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंगलवार सुबह मंदिर का निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के आगमन, निर्गमन, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के प्रवेश मार्ग के आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित समतलीकरण किया जाए, लेवलिंग का काम तेजी से पूर्ण कराया जाए, श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैट बिछाई जाए और वर्षा को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए जाए। मंदिर में पर्याप्त रोशनी के लिए नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। मंदिर परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक बैरिकेडिंग की जाए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने काल भैरव मंदिर के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान का भी अवलोकन किया, जिसमें वर्तमान में प्रगतिरत 5 करोड़ की लागत से शेड रेलिंग एवं अन्य कार्य की जानकारी ली। साथ ही सिंहस्थ 2028 को देखते हुए 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित मंदिर का कायाकल्प, मंदिर निर्माण के लिए रूट डायवर्शन, घाट निर्माण, पार्किंग, फूड प्लाजा, दर्शन व्यवस्था, पेयजल आदि कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूरे एक्चुअली में थे नहीं वहाँ पे, वो हम लोगों ने स्पेस ऐसे बना रखा था कि काम चल जाता था, बट इसमें लगेंगे तो फिर वो आगे आगामी सावन को देखते हुए आज काल भैरव मंदिर का भी निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रारंभ होने थे, जिस वजह से व्यवस्थाओं को चेंज किया जाना था। तो आज वहाँ पर निरीक्षण करके जो नई व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में निर्देश दिया गया है। लेकिन एक बार इसमें चूँकि सावन में काफ़ी भीड़ रहेगी, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी स्टेक होल्डर से एक बार चर्चा कर लें कि इसको कार्य को अभी हमें तुरंत स्टार्ट करने की आवश्यकता है या फिर हम लोग सावन के बाद स्टार्ट करें।